नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगाबाई घाट के पास एक फल विक्रेता की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पच्चीस मार्च से होगा यूथ एम्पावरमेंट समिट, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए फॉर्च्यून फाउंडेशन की पहल। और रास्ते में चलते हुए एक खाली ट्रक में लगी आग, आग बुझाने में दमकल विभाग रहा सफल, कोई जीवित हानि नहीं। और अब खबरें विस्तार से। शहर में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वही मार्च का महीना दिन प्रतिदिन हत्याओं का महीना साबित हो रहा है। इसी बीच कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत एक और हत्या की वारदात सामने आई है, जहां तीन युवकों ने पुराने किसी मामूली बात के चलते एक फल विक्रेता पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक MM ठाकरे ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मनीष सुजीत यादव और आरोपियों से पुराने किसी मामूली बात को लेकर अनबन चल रही थी। दिन प्रतिदिन उनकी रंजिशें बढ़ने से आरोपी गणेश मांगले, नीलेश भूरे और श्याम वासनिक ने मनीष को मौत के घाट उतारने की सोची और मंगलवार की रात मौका मिलते ही आरोपियों ने गंगाबाई घाट के पास मनीष पर वार कर उसे मौत की नींद सुला दी। बता दें कि मृतक मनीष एक फल विक्रेता है और पहले भी उस पर आपराधिक मामले दर्ज है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक MM ठाकरे ने अधिक जानकारी साझा की है। मनीष सुजीत यादव जो मृतक है वो 25 वर्ष हा फ्रूटचा गाळा चालवतो इथं कल्याणेश्वर मंदिरजवळ। याचा तीन आरोपितांनी मर्डर केलेला आहे। मर्डर हा क्षुल्लक कारणावरून गंगाबाई घाट रोडवर तूतू मोहिमेचा वाद झाला, किरकोळ वाद, आणि त्या वादाचं पर्यावसान जे आहे त्याला एक धारदार शस्त्राने मारण्यात आलेलं आहे। तीन आरोपी आहेत, गणेश पांडले, निलेश भुरे, श्याम वासनिक। तिन्ही आरोपी घटना घडल्यानंतर आम्ही ताब्यात घेतली आणि त्यांना अटक केलेला आहे। प्राइमरी तपासात कालपासून आतापर्यंतच्या याच्यात क्षुल्लक कारणावरून रस्त्यावरच्या वादाच्या पर्यावसनातून मर्डरची स्टोरी सध्यापर्यंत तरी आलेली आहे, परंतु CCTV फुटेज, आजूबाजूचे विचारपूस, साक्षीदार किंवा अजून काही यात वेगळा हे अँगल आहे किंवा वाद कशामुळे झाला याबद्दल सखोल सध्या तपास सुरू आहे। आरोपींना आज PCR कोर्टात घेऊन जाणार आहोत, त्यानंतर उर्वरित तपासाची जसं जसं येईल तशी दिशा निश्चित ठरेल। नाही, या तिघांच्या आरोपीचा ज्याच्यावर तर नाही निष्पन्न झालं, पण मृतक आहे त्याच्यावर गुन्हे दाखल आहे। आणि सर, कुठल्या कारणावरून तुमच्यात वाद झाला होता असे म्हणतात की मृतकाचा बर्थडे होता आणि काही ते आरोपी नशा करत होते त्याच्यावरून वाद झाला? नाही, सध्या अद्याप म्हणजे एक्झॅक्ट कुठे तसा साक्षीदार किंवा हे नाही, परंतु ते बसलेले होते इथपर्यंत हे आहे। फक्त वाद कशामुळे झाला हे अजून काही रिव्हील झालेलं नाही, पण तपासात आरोपी यांच्याकडून आणि इतर साक्षीदार किंवा CCTV फुटेज तपास करून मूळ कारणापर्यंत पोहोचण्याचा पोलीस तपासात निश्चित प्रयत्न करतात। नाही झाला वाद त्या ब्रिजवर, म्हणजे गंगाबाई घाट जो आहे पूल तिथं, आणि घटनास्थळ अलीकडे आहे। म्हणजे हा जो मृतक आहे हा घराकडे येत होता आणि ते तिकडे राहते, म्हणजे परत येत असतानाच वाद होऊन त्यांनी त्याला मारलेला आहे, हे तर निष्पन्न झालेलं आहे CCTV फुटेजवरून। आणि अजून कोणी साक्षीदार किंवा आहे, रात्री जी घटना आहे 11:30 ते 11:50 दरम्यान, त्याबाबत अजून सखोल तपास सुरू आहे। पुलिस ने CCTV के आधार पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन आए दिन हो रही इन हत्याओं की वारदातों से निश्चित ही पुलिस का सिरदर्द बढ़ गया है। विश्व के युवाओं के रूप में विख्यात भारत में बड़ी संख्या में युवा शिक्षित और कौशल आधारित शिक्षा से समृद्ध हो रहे हैं। बदलते वैश्विक समीकरण की पृष्ठभूमि में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत में कदम रख रही हैं। इसी को देखते हुए बीते 7 सालों से फॉर्च्यून फाउंडेशन की ओर से यूथ समिट का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी 25 मार्च से यूथ समिट का आयोजन किया गया है। फोन फाउंडेशन प्राइवेट के अध्यक्ष अनिल सोले की संकल्पना से साकार हुई इस पहल का 8वां वर्ष है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME इंजीनियरिंग कॉलेज प्लेसमेंट एसोसिएशन
ECPA और नागपुर नगर निगम की संयुक्त विद्यमान से उद्यमी युवा सभा का आयोजन किया गया। यूथ एम्पावरमेंट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार 25 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हाथों और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में विधायक निवास सिविल लाइन्स नागपुर में किया जाएगा। इस दौरान पूर्व सांसद दत्ता मेघे, लोकमत संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष विजय दर्डा, सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, उद्योगपति सत्यनारायण नुवाल, पूर्व सांसद अजय संचेती, विधायक चंद्रशेखर बावनकुले और AS प्रशांत जादे मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह में समाज के गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। यूथ एम्पावरमेंट शिखर सम्मेलन एक छत के नीचे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों, सेमिनारों, सरकारी निगमों के स्टॉलों और निजी योजनाओं के प्रेरक मार्गदर्शन सहित कई तरह के कार्यक्रम होंगे। फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या माध्यमातून 2015 पासून आम्ही युवकांना एम्पॉवर करण्याच्या दृष्टिकोनातून, सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून दरवर्षी यूथ एम्पॉवरमेंट समिट हे आयोजित करीत असतो। यावर्षी हे 8वं वर्ष आहे आणि यावर्षी देखील आम्ही 25, 26, 27 मार्च अशा 3 दिवस यूथ एम्पॉवरमेंट समिटचं आयोजन आपल्या स्थानिक MLA हॉस्टेल परिसर आणि MLA हॉस्टेलमध्ये आयोजित केलेलं आहे। दिनांक 25 तारखेला सकाळी 11 वाजता या यूथ एम्पॉवरमेंट समिटचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते होणार असून माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्र फडणवीस हे या कार्यक्रमाची अध्यक्षता करणार आहे। सगळ्या युवकांना नोकरी देण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा स्वयंरोजगार मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून यूथ एम्पॉवरमेंट समिट दरवर्षी आयोजन होत असतं। या आयोजनामध्ये युवकांना ज्यांना नोकरी पाहिजे आहे अशांना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावं लागतं। www.ysnagpur.in याच्यावर जर आपण गेलो तर याचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन होतं। जवळपास यावर्षीच्या आयोजनामध्ये 105 विविध कंपन्या ज्या आहेत या ठिकाणी मुलांचे इंटरव्ह्यू घेऊन आणि त्यांना सिलेक्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी येणार आहेत। मी आपल्या माध्यमातून युवकांना मोठ्या प्रमाणात विनंती करतो की इथे येणाऱ्या कंपन्या ज्या आपल्या आज जिल्ह्यात आलेल्या आहेत त्यांचा उपयोग करून आणि आपलं भवितव्य तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण याचा लाभ घ्यावा। त्याचप्रमाणे विविध बँकांचे स्टॉल्स, मुद्रा बँक, विविध मशिनरीजचे स्टॉल्स त्या ठिकाणी राहणार आहेत, ज्याच्यात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयंरोजगाराच्या दृष्टिकोनातून ज्यांना संधी उपलब्ध करून द्यायची आहे त्या दृष्टिकोनातून देखील त्याची व्यवस्था होणार आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी तज्ज्ञ लोकांचं मार्गदर्शन, काही स्वअनुभव सांगणारे यशस्वी प्रयोग अशा पद्धतीने मार्गदर्शन त्या ठिकाणी होणार आहे। मी आपल्या माध्यमातून सर्व युवकांना विनंती करतो की या आयोजनाचा लाभ आपण घ्यावा आणि 25, 26, 27 मार्चच्या दरम्यान स्थानिक MLA हॉस्टेल परिसरामध्ये येऊन आपल्यामध्ये असलेल्या स्किलचं प्रगतीकरण करत आपण एक चांगला जॉब, चांगली नोकरी आणि स्वयंरोजगारात स्वतः करता एक रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, शोधण्याच्या दृष्टीने आपण निश्चितपणे त्या ठिकाणी यावं असं आवाहन मी करतो। नागपुर के रहाटे कॉलोनी इलाके में मंगलवार दोपहर एक खाली ट्रक में आग लग गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और ट्रक चालक समय पर ट्रक से बाहर निकलने में सफल रहा। हालांकि व्यस्त राजमार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, जबकि नागपुर यातायात पुलिस ने हस्तक्षेप के बाद इस ट्रक को रास्ते से हटा दिया। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वर्धा रोड पर चलते हुए ट्रैक्टर को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस दमकल विभाग के साथ घटनास्थल पर पहुंची। कुछ ही देर में दमकल विभाग आग बुझाने में सफल रहे, जबकि ट्रक का कैबिन पूरी तरह से जल चुका था। इस घटनास्थल पर दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा कि वायर ज्वाइंट करने से या उनको टेप न लगाने से चलते गाड़ी में आग लग सकती है, इसलिए उन्होंने सभी नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा एवं ध्यान रखने की सलाह दी। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का नियंत्रण कक्ष है, उसमें हमको सूचना मिली कि वर्धा रोड पे अजनी पुल के सामने एक मेटाडोर में अंधार लगी। उस हिसाब से हमने कंट्रोल रूम में सिविल स्टेशन और कॉटन मार्केट स्टेशन को फायर कॉल दिया, जिसके कारण 2 गाड़ियाँ आई। पहले सिविल की गाड़ी पहुँची, पहुँचने के बाद गाड़ी की आग बुझाई गई। गाड़ी का जो सामने का केबिन है वो पूरी तरह जल गया है और एक टायर उसमें लग गया, लेफ्ट साइड का टायर जला हुआ है।
लोगों से मेरी यही अपील है, अपने नागरिकों से अपील है कि गर्मी के मौसम में गाड़ी चलाते समय ये ध्यान रखें कि कहीं वायर जॉइंट है वो लूप में नहीं है वायर, वो जॉइंट वायर अगर टेप नहीं किया हो, ऐसे समय में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि चलते गाड़ी में अगर वो कहीं इन केस वायर टच हो जाता है बॉडी को तो चलते समय कहीं आग लगने की संभावना रहती है। अभी जो ये आग लगी है चलते गाड़ी में आग लगी है ऐसा ड्राइवर का कहना है, इसका स्पेसिफिक रीज़न कुछ पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये इतना निश्चित है कि उस धुपकाले के समय में अपने गाड़ियों के वायरिंग वगैरह बराबर लूप में है कि नहीं, ज्वाइंट वायर नहीं होना चाहिए जो बॉडी से टच हो जाए जिससे अचानक आग लग जाती है, ये संभावना हो सकती है ऐसा बताएं, निश्चित रूप से इसमें नहीं कह सकते ये आग अभी किस वजह से लग गई। संपूर्ण देश में चर्चा का विषय बन रही और सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जाने माने कलाकार पुनीत इस्सर बुधवार को नागपुर आए। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसे लोगों के सामने सच लाया गया है। इस फिल्म के माध्यम से वो इतिहास सामने आया है जो बीते कई सालों से छुपा हुआ था और ये एक वास्तविक घटना है जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। वहीं इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखने की भी उन्होंने अपील की। श्री सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट के माध्यम से पूर्व महापौर संदीप जोशी की ओर से नागपुर शहर की 2500 के ऊपर दर्शकों को निशुल्क द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई जा रही है, जिसके चलते इस फिल्म के सुप्रसिद्ध कलाकार पुनीत इस्सर ये ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए गए फिल्म के शो को देखने आए। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते दरमियान उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसने लोगों के सामने सच लाया है। इस फिल्म के माध्यम से वो इतिहास सामने आया है जो बीते कई सालों से छुपा हुआ था और ये एक वास्तविक घटना है जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। वहीं इस फिल्म को हर मजहब के व्यक्ति द्वारा देखे जाने की भी उन्होंने बात कही। नागपुर में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग रखी है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें और हम उन्हें सत्य से अवगत कराएं। तो कृपया पुनीत जी आप आ सकते हैं। इनके सिर्फ एक कहने पर मैंने कहा जी हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, बिकॉज मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, ये एक मुहिम है, ये हमने एक मिशन लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस फिल्म को पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर भारतवासी इस फिल्म को ज़रूर देखे, केवल इसलिए नहीं कि भूत में पास्ट में हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था, बल्कि इसलिए देखे और समझे सचेत हो कि हमें आगे इस तरह का नरसंहार हमारे देश में कदापि नहीं होना चाहिए। हमें फिल्म ये उसलिए देखना है। तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर आऊँगा, मैं आया और ये मैं बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव। मैं समझता हूँ कि आजकल तो मैं छोटे छोटे किस्से सुन रहा हूँ कि एक रिक्शे वाले ने कर दिया कि साहब जो फिल्म देख के आएगा मैं उसके रिक्शे से उसके पैसे नहीं लूँगा, और कोई तो छोटे छोटे बेचारे जो आवाम हैं जो जनता है जो गरीब वेंडर्स हैं वो कहते हैं अगर आप पिक्चर का टिकट हमें दिखाएंगे क्या फिल्म देख कर आए तो हम आपको फ्री खाना देंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये उस आवाम की उस नागरिक की उस जनता की जनता जनार्दन की पिक्चर बन चुकी है। बिकॉज मैं समझता हूँ जो फिल्म देख रहे वो ये नहीं देख रहे कि हमारा मजहब क्या है कि नहीं, हम इंडियंस हैं और हिंदुस्तान में एक आजाद भारत में जब हमारा देश आजाद हो चुका था उसके बावजूद 1947 में आजाद हुआ और उसके 1986-87 के आसपास 84 में शुरू हो गया था, इतने वर्षों बाद उसके बावजूद ये हुआ और सबने इस पर चुप्पी साधी रखी। तो ये बहुत ही दुखद मतलब दिल को दहला देने वाला सत्य है, कड़वा सच है, ये यथार्थ है। तो ये चीज़ें हमको इसलिए तो मैं जहाँ भी होता है हम इसे प्रमोशन के लिए मैं जाता हूँ, मैं क्या विवेक साहब जा रहे हैं, उनकी पत्नी पल्लवी जी जा रही हैं, अनुपम जी कर रहे हैं, हमारे जो दूसरे कलाकार हैं वे सब कर रहे हैं। तो इट इज़ लाइक इट इज़ अ मूवमेंट जो हम कर रहे हैं और ये आग लग चुकी है और ये ना बुझने वाली आग है, ये इसने लोगों को एंगल्फ कर लिया है और जितने से मैं देख रहा हूँ वो नंबर जो है मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और लोग उसको बार बार देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1931 में 23 मार्च के दिन फांसी का फंदा चुनकर अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। देश के बहादुर क्रांतिकारी और महान सपूतों के दिए गए बलिदान की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस श्रृंखला में शहर में न्यू इरा मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से रानी दुर्गावती चौक में भगवा रैली निकाली गई। इस अवसर पर बात करते हुए समाज सेवी रविंद्र सिंह भामरा ने कहा कि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए एक अहम योगदान दिया, उनके योगदान को हमेशा ही याद करना चाहिए। वहीं आगे बात करते हुए वे बोले कि शहीद दिवस के अवसर पर विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। चौबीस साल की उम्र में जिस पुरुष ने अपने देश के लिए अपना जान की बलिदान दी हो, उसके लिए आज मैं और ये पूरे युवाओं के साथ में उस नौजवान की बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भगत सिंह एक समुदाय का या एक किसी धर्म के लिए उसने कुर्बानी नहीं दी थी, पूरे देश के लिए कुर्बानी दी थी। तो मैं आज का ये सभी से विनती करता हूँ कि आज सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए और कार्यक्रम को और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। आज हमने ये रानी दुर्गावती चौक से भगत सिंह जी की याद में एक रैली निकाली है, उसके उपरांत उनको उनके शहादत के लिए एक हमारा व्हाइट हॉल कामली रोड पर सबने मिलकर के एक सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किया है। नवनिर्माण सेना ने अमर बलिदान दिवस के मौके पर मोर्चा निकाला। इस मोर्चे का प्रमुख मुद्दा बढ़ती महंगाई, वाहन चालकों के ऊपर बढ़ते दंडात्मक कार्रवाई तथा बढ़ते इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम तथा धारा 113 तथा 114 भी था। मनसे ने अमर बलिदान दिवस पर मोर्चा निकाला। यह मोर्चा आरटीओ के ऑफिस तक निकल गया था और बाद में मुख्य अधिकारी के सामने उस मोर्चे की मांगों को रखा गया, जिसमें आरटीओ के अधिकारी ने बताया कि वे फाइनेंस कंपनी के कानूनन एवं सलाहकार लोगों से बात करने का आश्वासन दिलवाया तथा उनकी फाइनेंस कंपनी के लोगों को चेतावनी भी दी कि वो लोगों की गाड़ियां जबरदस्ती अथवा गुंडों द्वारा न बुलवाई जाए। इस पर मनसे के अधिकारी ने बताया कि यह मोर्चा लोगों की भलाई के लिए निकाला गया था। उन्होंने कहा कि वे सामान्य जनता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तथा उनकी परेशानियां कुछ कम कर रहे हैं। मनसे अधिकारी ने यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार जबरदस्ती महंगाई बढ़ाकर जनता को लूट रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो उनका आंदोलन उग्र भी हो सकता है। आजचा जो मोर्चा आहे, आज सर्वसामान्य लोकांची जी लूटमार या सरकारच्याकडनं सुरू आहे, मग ते केंद्र सरकार असो राज्य सरकार असो, याच्याकडनं जी लूटमार सुरू आहे, दंडात्मक कारवाईमध्ये वाढ, इन्शुरन्समध्ये वाढ, महागाईत वाढ, सगळ्याच गोष्टीमध्ये जी वाढ केलेली आहे, सर्वसामान्य लोकांच्या खिशामध्ये हे सरकारने हात घातलेला आहे आणि जी लूटमार सुरू आहे त्या लूटमारीच्या विरोधात आज परिवहन खात्याच्या ऑफिसवर म्हणजे आरटीओ ऑफिसवर आमच्या मनसे आणि मनसे प्रणित वाहतूक सेनेच्या वतीने हा मोर्चाचं आयोजन आम्ही केलेला आहे। तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे इतर पक्ष भांडणामध्ये व्यस्त आहेत, मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा जनहितार्थ प्रश्नांसाठी आवाज बुलंद करण्यामध्ये मग्न आहे। एकीकडे परिवहन खात्याचे जे मंत्री आहेत अनिल परब यांचे रिसॉर्ट्स तिथे बांधल्या जात आहेत, कोकणामध्ये आलिशान रिसॉर्ट्स आहेत आणि इथे मात्र सर्वसामान्य जे लोक आहे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई, इन्शुरन्समध्ये वाढ, सगळ्या गोष्टीमध्ये वाढ, आज महागाईने लोक त्रस्त झालेले आहेत आणि अशा याच्यात सरकार तमाशामध्ये मग्न आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं जे महाराष्ट्र सैनिक मात्र माननीय राजसाहेबांच्या आदेशाप्रमाणे जनतेच्या कामामध्ये मग्न आहेत आणि त्याचाच एक भाग म्हणजे आजचा हा मोर्चा आहे। यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र के शिवसेना सांसद भावना गवली जनता के संपर्क में नहीं है, ऐसा भाजपा द्वारा बताया जा रहा है। ईडी के नोटिस के बाद भावना गवली निर्वाचन क्षेत्र में नहीं लौटी, इसलिए भाजपा महिला मोर्चा की ओर से यवतमाल सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। महिलाओं की समस्या अब हम किसे बताएं, ये प्रश्न भी महिला मोर्चा द्वारा रखा गया। यवतमाल लोकसभा खासदार भावनाताई गवली या सद्या बेपत्ता है,
सध्या म्हणण्याच्या पलीकडे म्हणायचे की आज 6 महिने झालेत त्या या मतदारसंघामध्ये दिसतच नाही आहेत. मी एक मतदार म्हणून ज्या ज्या वेळेला आम्ही बाहेर फिरतो आणि सर्व सामान्य जनतेला जर समस्या सोडवायच्या असेल तर त्यांनी कुठे जायचं, प्रत्येक वेळेला सर्वसामान्य जनता त्यांच्या ऑफिसला या कुठे त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहे तर त्या भेटू शकत नाही. त्यासाठी आम्ही आज एक अर्ज सिटी पोलीस स्टेशनला दिलेला आहे की भावनाताई ह्या बेपत्ता आहे, त्यांना फोनद्वारे जरी संपर्क साधला त्यांचा फोनसुद्धा बंद येतो आहे, ऑफिसमध्ये गेलं तर टाळाटाळीचे उत्तर देतात. म्हणून सर्वसामान्य जनता जनतेने त्यांना निवडून दिलेलं आहे, आम्ही सर्व मतदार म्हणून एक अर्ज दिला आहे की ह्या बेपत्ता आहे, त्यांनी त्यांना शोधून आम्हाला कळवावं, हेच आमच्याकडून एक अर्ज सिटी पोलीस स्टेशनला देण्यात आले. भारतीय जनता पार्टीची ही मागणी आहे की या यवतमाळ वाशिम लोकसभेच्या ज्या खासदार आहेत भावनाताई गवळी या हरवल्या आहेत, म्हणून त्या संदर्भात आम्ही पोलीस स्टेशनला महिला मोर्चाच्या ज्या अध्यक्ष आहेत मायाताई शेरे त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक तक्रार अर्जसुद्धा इथं दिलेला आहे की या भावनाताई गवळी मतदारसंघाकडे फिरताना दिसत नाही, त्या घरी गेलं तर घरी दिसत नाही, भेटत नाही, त्यांचा फोन बंद आहे. म्हणून आम्ही जाहिरातीद्वारे म्हणजे यवतमाळमध्ये फ्लेक्ससुद्धा लावले की बा खासदारांना शोधून दाखवा आणि बक्षीस मिळवा, अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी आमच्या यवतमाळ वाशिम लोकसभेच्या ज्या खासदार आहेत त्यांना शोधत आहे, मात्र त्या मिळत नाही आहे. त्यामुळं इथली जनता त्रस्त झालेली आहे, त्रासून गेलेली आहे आणि द्विधा मनस्थितीमध्ये आहे, संभ्रमामध्ये आहे किंवा अशा ज्या खासदार आहेत किंवा त्या गेल्यात कुठे न सांगता. वक्त होतो लाईट ब्रेक का, मिळते एक छोटेसे ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. पारसिनी स्थित महात्मा गांधी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से 21 मार्च से 27 मार्च 2022 तक पलोरा में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय राज्य स्तरीय विशेष श्रम शिविर का उद्घाटन नागपुर विश्वविद्यालय के प्रकुलपति डॉक्टर संजय दुधे ने किया. डॉक्टर संजय दुधे ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों का मुख्य व्यक्तित्व है कि स्वयंसेवकों का समग्र व्यक्तित्व विकसित हो रहा है. स्वयंसेवक सामाजिक समस्याओं से अवगत है और उन्हें हल करने के लिए कौशल हासिल करते हैं. तुमच्यामध्ये जे चांगले गुण आहे, किती गुण आहे दिसत नाही, आणि म्हणून एनएसएस काय आहे, ते एक व्यासपीठ आहे. एनएसएस काय आहे,
मुलांकरिता निर्माण करून दिलेलं व्यासपीठ, तर या व्यासपीठाचा प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी फायदा घेतला पाहिजे. या व्यासपीठाचा प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आपल्या आपल्यामध्ये जे गुण आहे, आपल्यामध्ये जी कला आहे, ती दाखवून देण्याकरिता या व्यासपीठाचा उपयोग केला पाहिजे. आणि म्हणून याच्याकरिता एनएसएसच्या शिबिरामध्ये काय करतो आपण, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम अरेंज करतो, है की नाही? तुमचे एनएसएसचे अधिकारी असतात ना, ते वेगवेगळे प्रोग्राम अरेंज करतात, वक्तृत्व स्पर्धा अरेंज करतात, नाट्यमय स्पर्धा अरेंज करतात, कॉम्पिटिशन स्पर्धा अरेंज करतात, किंवा श्रम आयोजनाचं कार्य देतात. महाराष्ट्र सरकार ने अकोला शहर के विकास के लिए 15 करोड़ का निधि अकोला महानगर पालिका को दिया था, मगर अकोला महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता होने के कारण यहां के स्थानिक भाजपा के विधायक गोवर्धन शर्मा ने महाराष्ट्र सरकार ने दिया हुआ पैसा शहर के विकास में ना खर्च हो, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. ये मुकदमा 2 साल तक हाईकोर्ट में शुरू था. आज हाईकोर्ट ने विरोधी पक्ष में बैठे शिवसेना के पार्षद के हित में फैसला सुनाते हुए शासन ने दिया हुआ 15 करोड़ का निधि शहर के विकास में खर्च करने का फैसला सुनाया है. अकोला महानगर पालिका में 15 कोटी रुपए गांव के विकास के लिए आए थे. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पैसा भेजा था, लेकिन यहाँ पर भाजपा की सत्ता होने के कारण यहाँ की जो स्थानीय आमदार है श्री लाला जी, जिन इन लोगों ने ये 15 कोटि के काम न हो इसका पूरा प्रयत्न किया, और इस 15 कोटि के खिलाफ में ये लोग हाईकोर्ट गए लाला जी, और वहाँ पर 1.5-2 साल हमने इस विषय में लड़ा, और लड़ने बाद में ये 15 कोटि की जीत हमारी हुई है. और 100% ये जो पैसा अकोला शहर के हित के लिए आया था वहाँ हम खर्चा करेंगे. लेकिन मेरा अकोला शहर वासियों से ये कहना है कि जिन लोगों को हमने आग बंद करके अभी तक मतदान किया, उन लोगों ने आज तक कुछ किया नहीं. लेकिन कुछ अगर चीज़ अच्छी हो रही है अकोला शहर के अंदर, उसमें भी इन लोगों ने विघ्न लाने की कोशिश किया. लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ के कारण आज हम ये 15 कोटि की जो केस थी हाईकोर्ट में हम जीत चुके हैं, और जो भी वार्ड में ये काम था वो वार्ड में ये काम होने वाला है. मेरी विनंती है कि अब तो आंखें खोलो. जिन लोगों ने ये पैसे रोकने की कोशिश किया, जिन लोगों ने 30 साल यहाँ पर अकोला शहर के अंदर जिले में और शहर में जिन्होंने राज किया, राज कर रहे, इन लोगों ने गांव का विकास नहीं किया. जो भी शहर के अंदर रास्ते बने हुए हैं वो सब फूट चुके हैं. मेरी विनती है कि अब आंखें खोलो, और कम से कम इन लोगों का जो राजकारण है, जो लोगों को गुमराह करके राजकारण किया जा रहा है शहर के अंदर, इनको साइड में करो, और आने वाली महानगर पालिका इलेक्शन में महानगर पालिका पर भगवा झंडा फड़काने की कोशिश करो. और मुझे विश्वास है कि इस बार महानगर पालिका पर भगवा झंडा फड़केगा. नागपुर नगर निगम और सरकार के पास 1.5 साल से लंबित टैक्स और जीएसटी के बीच के अंतर को जल्द से जल्द ठेकेदारों को रिफंड दिया जाए, इस बात को लेकर विधायक प्रवीण दटके ने सदन में सवाल उठाया. इस पर जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने 1 माह की अवधि के भीतर इस मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन दिया है. माननीय सभापति महोदय, हा प्रश्न जीएसटी आणि बॅटच्या मधल्या फरकांचा महानगर पालिकेत जे काही वर्क ऑर्डर झाले त्या संबंधीचा आहे. मी मंत्री महोदयांचा धन्यवाद देतो की त्यांनी खरं उत्तर दिलं आहे, म्हणजे हे खरं आहे, अंशतः खरं आहे, आणि हे सगळं उत्तर एकदम खरं आहे. माननीय सभापती, आपल्या माध्यमातून मला माननीय मंत्री महोदयांना विचारायचं आहे की जीएसटी आणि व्हॅटमधला जो डिफरन्स आहे तो याआधी महानगरपालिकांमध्ये कुठल्या कंत्राटदारांना देण्यात आला आहे का, त्याची प्रोसेस काय, PWD विभागाने जो कोणतं परिपत्रक किंवा GR काढला आहे का, त्या GR काय म्हणणं आहे, आणि आपण हा परतावा देऊ शकणार आहोत का, त्या GST आणि VAT-मधली जी काही अमाऊंट आहे, डिफरन्स अमाऊंट, ती देण्याची म्हणजे पात्रता त्या त्या महानगरपालिकांमध्ये विशेषतः नागपूर महानगरपालिकेमध्ये आहे का, असं आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदय मला प्रश्न. सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य प्रवीण दटके यांनी नागपूर महापालिकेच्या GST परताव्याच्या संदर्भात या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. यामध्ये वित्त विभागाने 2 परिपत्रकं काढलेली आहेत, 1/19/8/2017 रोजी आणि दुसरं 11/9/2017 रोजी. यामध्ये GST अंमलबजावणीसाठी नियम थोडे ढोबळ आहेत, डिटेल कार्यप्रणाली त्याच्यामध्ये त्याचा उल्लेख नाही. त्यानंतर PWDने दिनांक 19 सप्टेंबर 2017 GST परताव्याच्या बाबतीमध्ये उल्लेख केलेला आहे. यामध्ये देखील प्रस्तावासोबत कोणते कागदपत्र द्यावे, याबाबत सूचना कसे तपासावे, याबाबत सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे स्वयंस्पष्ट सूचना नसल्याने
प्रस्ताव तपासणे थोडंसं महापालिकेला अडचणीचं होतं आहे आणि म्हणून त्याच्यामध्ये क्लॅरिफिकेशनची आवश्यकता आहे आणि त्यामध्ये कंत्राटदाराने सादर केलेल्या प्रस्तावावर तपासून कार्यवाही आपल्याला करता येईल. महापालिकेकडे तीन प्रस्ताव आहेत आणि त्याच्यामध्ये एका कॉन्ट्रॅक्टरला तपासून परतावा दिला आहे माझ्या माहितीप्रमाणे आणि जवळपास आम्ही 1500 वर्क ऑर्डर असल्याने साधारणतः काही कोटी देयके आवश्यक राहतील आणि त्यामुळे ही जी कारवाई जी आहे खरं म्हणजे 30 दिवसामध्ये त्याचा हे करायला पाहिजे त्यांनी, बरोबर ना. 30 दिवसामध्ये त्याची सुनावणी घेतली पाहिजे आणि त्याचा जो काही निर्णय आहे परताव्याचा तो घेतला पाहिजे. तर यामध्ये आता या आपल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने 21 जानेवारी 2021 रोजी पीडब्ल्यूडीने एक परिपत्रक काढला आहे, त्यात पूर्ण नियमावली कोणते कागदपत्र द्यायचे सांगितलं आहे. माझी माननीय सभापती महोदयांच्या माध्यमातून एक विनंती आहे की नुसती नागपूर महानगरपालिकेने सर्व महानगरपालिकांचा प्रश्न आहे त्यामुळे त्या त्या महानगरपालिकेच्या. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा को लेकर अहम घोषणा की है. देशभर में 60 किलोमीटर के अंदर यदि कहीं भी दो प्लाजा होंगे तो इनमें से एक को 3 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा. वहीं आगे बात करते हुए वे बोले कि 2024 के पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा हो जाएगा. साथ ही टोल पास को लेकर बात करते हुए वे बोले कि आधार कार्ड से अब टोल पास बनेंगे. और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने दो सुझाव आपके स्वीकार किए. एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर जिसके पास आधार का कार्ड है और वहां टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए. तो मैं सजेशन मान्य करता हूं जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे. दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है. मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है. मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो. हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत. अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाए. क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए. नागपुर के शहीद हेमू कालानी चौक में शहीद हेमू कालानी की 100 वर्षीय जयंती मनाई गई. इस अवसर पर पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, इन्होंने शहीद हेमू कालानी जी के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सिंधी समाज के हेमू कालानी जी ने मात्र 20 वर्ष की आयु में शहादत दी थी. उस वक्त की सरकार द्वारा शहीद हेमू कालानी जी को कई यातनाओं का सामना भी करना पड़ा. शहीद हेमू कालानी चौक में अखिल भारतीय सिंधी समाज द्वारा हेमू कालानी अमर रहे के नारे भी लगाए गए और शहीद हेमू कालानी जी की मूर्ति को हार चढ़ाकर बड़े उत्साह के साथ उनकी जयंती मनाई गई. के जो एक शहीद जो हेमू कालानी जी है, आज उनकी जयंती है, क्या बताओगे? आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सबसे युवा उस समय के देश की आजादी में बड़ा योगदान देने वाले सिंधी समाज के शहीद हेमू कालानी साहब मात्र 20 वर्ष की आयु के अंदर में उन्होंने एक बहुत बड़ी शहादत दी. अंग्रेजों की भरी हुई एक ट्रेन हथियारों से लैस अपने हेडक्वार्टर की तरफ जा रही थी. शहीद हेमू कालानी साहब ने वो ट्रेन के हथियार अपने काम में आने चाहिए करके ट्रेन को रोकने का काम किया. जो पटरी रहती है रेल की उसमें से फिशपॉट निकाल कर उसको रोक कर हथियार निकालने का एक दुस्साहस उस समय में किया वहाँ पर, क्योंकि उस समय में वहाँ पर जो रेलवे का ट्रैक का निरीक्षण करते थे उनको ध्यान में आ गया और उन्होंने उस समय की अंग्रेजी सरकार को बुलाकर और उनको पकड़ने का काम किया. उनके साथी तो भाग गए लेकिन हमारे युवा साथी शहीद हेमू कालानी साहब पकड़ में आ गए. खूब यातनाएं उस समय की सरकार ने उनको दी लेकिन शहीद हेमू कालानी साहब ने जितनी भी यातनाएँ सहनी थी सही, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक शब्द भी बोला नहीं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहादत दी. ऐसे शहीद हेमू कालानी साहब की आज 100 वर्ष जयंती को पूरे हो रहे, उनको हम शत शत नमन करते हैं. और समाज के अंदर में, देश के अंदर में ऐसे युवा शहीद हमारे हेमू कालानी साहब का पूरा संदेश देश भर में जाना चाहिए. इसीलिए हमारे इकलौते देश के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं शंकर लालवानी साहब, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिड़ला जी को दिल्ली के हमारे अम्बेडकर हॉल में बुलाकर एक बड़ा सत्कार का कार्यक्रम रखा है। मैं शंकर लालवानी साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सिंधी समाज के शहीद जो देश के ऊपर में बलिदान हुए उनके इतने बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा है। मैं पूरे समाज को आने वाले एक वर्ष जो इनका 100 वर्ष जन्म उत्सव के हो रहे, एक वर्ष पूरा का पूरा हेमू कालानी साहब को याद करते हुए बड़े धूमधाम से हमने मनाना चाहिए, ऐसे देश के सभी सिंधी समाज के साथियों को आह्वान करता हूँ। आने वाले 2 मार्च को झूलेलाल महोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाने वाले हैं। 2, 3, 4 अप्रैल दयानंद पार्क के ऊपर में, वहाँ पर भी अमर शहीद हेमू कालानी साहब का हम एक कार्यक्रम रखने वाले हैं और पूरे देश भर को संदेश देने वाले हैं कि पूरा सिंधी समाज एक साथ सभी आजू बाजू के जो समाज यहाँ रहते हैं उनको जोड़ते हुए अपनी सिंधियत के साथ में अपनी खुशबू बिखेरता हुए पूरा ये वर्ष अच्छे से कार्यक्रम करे और ऐसे महान वीर आदरणीय शहीद हेमू कालानी साहब को शत शत नमन करता हूँ। जी, आपका बहुत ज़्यादा योगदान इस जयंती को मनाने के पीछे है, क्या बताओगे? मैं आपके माध्यम से पूरी समाज सभी समाजों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रभक्ति शहीद हेमू कालानी ने दिखाई उसी राष्ट्रभक्ति को हमारे आने वाले जनरेशन, आने वाले बच्चों ने अपनाना चाहिए। और मैं आप सबके सामने एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि शहीद हेमू कालानी जी को हमारी समाज द्वारा शेर ए सिंध की उपाधि दी गई है, जो किसी ने अभी तक जिक्र नहीं किया। मैं बता दूँ शेर ए सिंध के नाम से उन्हें पहचाना जाए और पाठ्यक्रम में ये दर्ज किया जाए कि शेर ए सिंध शहीद हेमू कालानी है। तो यही मेरी एक भावना है कि जो उनसे राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम ये सीखना चाहिए। इतना कालानंद जी का सिंधी समाज के लिए काफ़ी योगदान है, सिंधी समाज ही नहीं तो देश के लिए काफ़ी योगदान है। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार है, आपकी सरकार है, हेमू कालानी जी का सिंधी समाज में जो योगदान था उसके लिए इस चौक में क्या करना चाहते हो? हेमू कालानी साहब का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और हम जब से हमने यहाँ पुतला स्थापित किया था हेमू कालानी साहब का और उनकी माताजी के हाथ से हमने इनका उसका उद्घाटन करवाया था 1983 से, तभी से जरीपटका कांग्रेस कमेटी व शहीद हेमू कालानी स्मारक समिति दोनों मिलकर लगातार हर त्यौहार, मतलब शहीदी दिवस, जन्मोत्सव, ये हम मनाते रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रम उस पर हम करते रहते हैं। और इस वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण आज हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, माननीय मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब जी उनके मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से, क्योंकि वह इस क्षेत्र के आमदार भी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल द्वार जिसे हेमू कालानी द्वार कहा जाएगा वह एक हम बनाने जा रहे हैं। और इस पुतले का सौंदर्यकरण बहुत अच्छे रूप में, क्योंकि हमने पिछले 83 से लेके अभी तक मैं समझता हूँ इतने सालों में हमने 2-3 बार सौंदर्यकरण किया है मगर वह अपूर्ण है, हमारे यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, ये सब हमारा जो चौक है बहुत व्यस्ततम इलाका है, मगर फिर भी हमें विश्वास है हम कैसे न कैसे अपने भाइयों को मनाकर वो जगह का थोड़ा यहाँ पे व्यवस्था करके उसको बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर हम उसको सौंदर्यकरण का रूप देंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कार्रवाई की है, इस बार किसी मंत्री संतरी पर नहीं बल्कि ये जांच एजेंसी सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर घुसाई है। ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति 6,45,00,000 रुपए की है। जब्त की गई संपत्ति में नीलांबरी परियोजनाओं के 11 फ्लैट शामिल है। ये फ्लैट साई बाबा हाउसिंग कंपनी के नाम पर है। ईडी ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सीएम के साले पर कार्रवाई की है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के सगे भाई श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैट सील कर दिए है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 6,45,00,000 है। अब ईडी श्रीधर पाटनकर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये 11 फ्लैट श्रीधर पाटनकर की कंपनी के एक कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट से संबंधित है। श्रीधर पाटनकर के नीलांबरी प्रोजेक्ट से जुड़े ये फ्लैट सील किए जाने की कार्रवाई को महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि ईडी ने 2017 में पुष्पक बुलियंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। पुष्पक सराफा की 21 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। संपत्ति का स्वामित्व महेश और चंद्रकांत पटेल के पास था। मंगलवार को महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी मध्य रेल ने नागपुर मंडल के आमला नागपुर सेक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने निरीक्षण की शुरुआत आमला के स्टेशन यार्ड लेआउट से की और नागपुर में पूरे दिन के ब्यौरे के साथ शाम को पत्र परिषद को संबोधित कर दौरे की जानकारी दी।
कोविड के बाद अब भारतीय रेल अपने सुचारू और सामान्य परिचालन की तरफ अग्रेसर हो रही है। इसी कड़ी में मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहुटी ने एक दिवसीय दौरा किया, जिसमें विविध कार्यों का जायजा उन्होंने लिया। आंबला से इस दौरे की शुरुआत हुई। वहां उन्होंने पैनल रूम और रूट रिले इंटरलॉकिंग का भी निरीक्षण किया। क्रू लॉबी का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सिग्नल लेआउट बुकलेट, लोको पायलटों के लिए सेल्फ लर्निंग ऐप हैप्पीनेस इंडेक्स सिस्टम का विमोचन किया और ऑन ड्यूटी क्रू के साथ बातचीत की। उन्होंने जलपान कक्ष, प्रतीक्षालय, स्टेशन स्टॉल, बुकिंग कार्यालय, सर्कुलेटिंग एरिया और रनिंग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने आरपीएफ बैरक का निरीक्षण किया और हथियारों, गोला बारूद और आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आमला में महाप्रबंधक ने माननीय विधायक से भी मुलाकात की। आमला निरीक्षण के बाद आमला और मुलताई के बीच स्पीड रन टेस्ट किया गया। मुलताई में महाप्रबंधक ने लिमिटेड हाइट सबवे, गैंग यूनिट, गैंग हट, गुड शेड और द रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान का निरीक्षण कर वृक्षारोपण भी किया। आमला से नागपुर तक विभिन्न जगहों पर निरीक्षण में मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे, नागपुर मंडल प्रमुख विभागाध्यक्ष और मंडल के शाखा अधिकारी भी मौजूद थे। आज मुख्यालय से सभी प्रिंसिपल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के साथ मैंने आमला और आमला से लेकर नागपुर खंड का विस्तृत निरीक्षण किया। ये एनुअल इंस्पेक्शन होता है जो हम लोग प्रत्येक वर्ष हर मंडल में एक खंड का डिटेल्ड इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें मुख्यालय के सभी प्रिंसिपल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो रेलवे प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए जो निर्देश हमने जारी किए हैं मुख्यालय स्तर से, उनका पालन सही तरह से हो रहा है या नहीं। जो मंडल में ऑपरेशन, वाणिज्य, यात्री सुविधाएं और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो ठीक तरह से उपलब्ध हैं या नहीं हैं, इसका निरीक्षण और उससे संबंधित जो सुधार और जो इम्प्रूवमेंट और जो उसके भविष्य की योजनाएं हैं उसके संबंध में विस्तृत चर्चा। दौरान 68.56 मिलियन टन का माल लदान किया है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25% अधिक है। इसमें नागपुर मंडल का योगदान उल्लेखनीय है। मध्य रेल के 68.56 मिलियन टन में 39.88 मिलियन टन का लदान नागपुर मंडल से ही प्राप्त हुआ है, जो मध्य रेल के कुल लदान का 58% है। मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अप्रैल से 16 मार्च तक नागपुर मंडल ने फ्रेट रेवेन्यू में 4000 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जो इस अवधि में प्राप्त आय अभी तक का पिछले सभी वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है और एक रिकॉर्ड है। मध्य रेलवे पार्सल यातायात को बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयासशील है और अप्रैल से फरवरी 2022 के दौरान पार्सल यातायात से मध्य रेल द्वारा लगभग 290 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई, जो कि सभी क्षेत्रीय रेलों में सर्वाधिक है और इसी अवधि की तुलना में पिछले वर्ष से लगभग 120% अधिक है। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान किसान रेल का है, जिसके द्वारा हम जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं उनको देश के विभिन्न कोनों में पहुंचा रहे हैं और मध्य रेल सभी क्षेत्रीय रेलों में सर्वाधिक किसान रेलें चला रहा है। 7 अगस्त 2020 से किसान रेल का संचालन मध्य रेल से प्रारंभ हुआ था और 20 मार्च 2022 तक लगभग 1134 किसान रेल मध्य रेल चला चुका है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।